नमस्कार साथियों, बुधवार की सुनहरी सुबह और साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा का आज का विषय है डोपामिन फास्टिंग यानी कि डोपामिन डिटॉक्स। साथियों, पिछले कुछ दिनों डोपामिन डिटॉक्स नामक एक पुस्तक लिखी गई जो कि अमेज़न पर सर्वाधिक बिकने वाली बेस्ट सेलिंग बुक के रूप में विख्यात हुई। साथियों, डोपामिन एक विशेष प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में रिलीज होता है उन सभी एक्टिविटीज़ के बाद जो हमें खुशियां देती हैं। हर छोटे से छोटा प्लेजरेबल एक्ट यानी कि खुशी देने वाला कार्य मस्तिष्क में डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस युग में हम इतने अधिक टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो चुके हैं कि हम सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन खोलते हैं, हम फेसबुक लाइक देखते हैं, हम यूट्यूब चैनल देखते हैं, अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट देखते हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिले लाइक्स हमें हमारे मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज करते हैं। उसकी वजह से हमारा मस्तिष्क हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करता है और हम सीरियस कार्य के लिए अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। साथियों, डोपामिन फास्टिंग एक विशेष प्रकार की विधि है जिसमें हम सप्ताह में एक दिन या मॉर्निंग उठने के बाद प्रातः के 2 घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं और टेक्नोलॉजी से दूर रहने के कारण हम मस्तिष्क में डोपामिन फास्टिंग करते हुए अपने उन कार्यों को, उन गंभीर कार्यों को पूरा कर पाने में समर्थ हो जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। डोपामिन फास्टिंग के उपरांत के अनुसार हमें उन सब कार्यों को करना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए हम टू डू लिस्ट बनाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन के चलते हम कर नहीं पाते हैं। साथियों, डोपामिन फास्टिंग कैसे करें, इसके लिए सप्ताह में आप एक दिन चयनित करें, उस दिन सुबह उठें और अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखें, मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, स्मार्टफोन से दूर रखें और इस दिन आप एक डायरी पेन रखें और डायरी और पेन में सीरियस थिंकिंग करते हुए अपने लिमिटेशंस को लिखें और साथ ही साथ आप किस तरह का कार्य करना चाहते हैं जीवन में उनके बारे में लिखें, डीप थिंकिंग करें और इस दिन अधिकांश समय चिंतन मनन में व्यतीत करें। जब आप हफ्ते सप्ताह में एक दिन डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, डोपामिन फास्टिंग करते हैं तो जीवन में आप उन सब कार्यों के लिए गंभीर हो जाते हैं जो आपको करने हैं। आज हमें डोपामिन डिटॉक्स की ज़रूरत है और डोपामिन फास्टिंग हम हर दिन 2 घंटे के लिए कर सकते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आप संकल्प लें कि 2 घंटे तक स्मार्टफोन को नहीं देखेंगे, अपनी डायरी और पेन उठाएं और उसमें वो सब कार्य लिखें जो आपको करने हैं, उन सब कमियों को लिखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही हैं, उन सब कार्यों को लिखें जो आपको आगे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनको पूरा करके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो साथियों, आइए हम सब डोपामिन डिटॉक्स को अपनाएं, डोपामिन फास्टिंग को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए चलें। टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया ये सब एक सीमा में रख के करें। हे अति सर्वत वर्जित नामक सूत्र के अनुसार अति हर चीज़ की बुरी है। आज हम कई बार सोशल मीडिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपना रियल कार्य भूल जाते हैं, तो इसलिए हम एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के अपने लिए कुछ समय निकालें, 2 घंटे गंभीर चिंतन मनन करें जिससे कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में हमारा जीवन बढ़ना चाहता है उसके बारे में गंभीर चिंतन करें, उन सब चीज़ों को अपनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा, राजस्थान।